हनुमान जी को कलयुग का जीवित देव माना जाता है। हनुमान जी आज भी यहाँ रहकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। ये एक सरल उपाय है जिससे दुर्लभ कार्य किए जा सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ हर व्यक्ति को प्रतिदिन करना चाहिए, इसके अनगिनत फायदे हैं। तो बात यह आती है कि हनुमान चालीसा का पाठ किसको और कैसे करना चाहिए। अगर आपको धन संपत्ति चाहिए तो इन पंक्तियों का जाप करना चाहिए। अष्ट सिद्धिनो निधि के दाता अश्वर दीन जानकी माता, जिनका अर्थ है ये हनुमान जी आपको माता जानकी से वरदान मिला हुआ है कि आप किसी को भी आठ सिद्धियाँ और नौ निधियाँ, निधियों का मतलब होता है संपत्तियाँ, दे सकते हैं। इसलिए हनुमान जी दिल खोलकर अपने भक्तों पर धन संपत्ति की वर्षा करते रहते हैं। अगर किसी को अज्ञात वे डराए या रात को नींद ना आए ऐसा मानसिक अशांति के कारण होता है तो उन्हें मन शांत करने के लिए इन पंक्तियों का जाप करना चाहिए। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अगर किसी को बुरी आदतों या संगति ने घेर लिया है और बहुत कोशिश के करने के बाद भी वह इससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं तो उन्हें इन पंक्तियों का जाप करना चाहिए। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। अगर आपके संबंध अपने भाई के साथ ठीक नहीं रहते, छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा होता है, देखिए छोटे मोटे झगड़े तो आम बात हैं, लेकिन अगर बात बढ़ जाए, झगड़े के चलते बातचीत होनी बंद हो जाए तो इन पंक्तियों का जाप करना चाहिए। रघुपति कीन ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरतई संभाई। ये तो था कि किस आवश्यकता के लिए किस पंक्ति का जाप करना चाहिए। बाकी आप अपनी आवश्यकता के अनुसार बाकी पंक्तियों का जाप भी कर सकते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। तो आप सबको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो देखने का आपका धन्यवाद।